आज हम बात करने वाले हैं जोड़ीदारी या फिर द्रौपदी प्रथा की। इस प्रथा के अनुसार एक औरत की शादी एक परिवार के एक से ज्यादा भाइयों के साथ होती है। 21वीं सदी में भी इस प्रथा का होना हम सबके लिए थोड़ा हैरानजनक है, लेकिन हिमाचल के गिरिपार में रहने वाले हाटी समाज में आज भी ये प्रथा प्रचलित है। ये प्रथा हाटी समुदाय में काफी पीढ़ियों से चलती आ रही है। अब समाज में इसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये प्रथा पूरी तरह से खत्म हो गई है। ये प्रथा क्यों शुरू हुई, इसके लिए कई तरह के तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि जमीन का बंटवारा रोकने के लिए एक ही लड़की की शादी परिवार के सभी बेटों से कर दी जाती है। जोड़ीदारी प्रथा सिर्फ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ही देखने को नहीं मिलती। तमिलनाडु के टोडा समाज में भी एक औरत एक से ज्यादा पार्टनर्स रख सकती है। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आपको बने रहना है जनसत्ता के साथ। नमस्कार।